राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का आयोजन 430 पदों के लिए किया गया। सुबह 9 बजे से अजमेर के अनेक केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई। इस परीक्षा में कई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे, जिन्हें परीक्षा केंद्र में पुलिसकर्मियों द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने 2 मिनट लेट होने पर प्रवेश नहीं मिलने के कारण नाराजगी जताई, तो वहीं एक अभ्यर्थी पुलिस के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोती नजर आई। युवती बार बार पुलिस से परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने की मिन्नत करती रही। बताया जा रहा है कि महिला अभ्यर्थी मेड़ता की रहने वाली थी और कुछ मिनट लेट होने के कारण परीक्षा केंद्र में उसे प्रवेश नहीं दिया गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद महिला अभ्यर्थी को समझाइश कर वहां से रवाना किया। आज कृषि प्रवेश का पेपर था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, जो ये पिछली गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल रखी थी उसका पेपर था। और पेपर नॉर्मली जो है कि ना ज़्यादा हार्ड था, नहीं पहले ही बोर्ड ने बोल दिया था कि नए जिलों के अनुसार आपको पेपर वगैरह करना है। उस अकॉर्डिंग सभी विद्यार्थियों ने वैसे ही किया होगा। पेपर इतना नहीं कि डिफ़िकल्ट भी नहीं था और इतना नॉर्मल भी नहीं था, मीडियम साइज पेपर था। तैयारी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं है कि लोड लेके तैयारी नहीं कर रही थी, बढ़िया आराम से कोचिंग वगैरह करके। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बढ़िया तैयारी थी, ठीक ठाक पेपर हुआ। नहीं अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया प्रशासन है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी यहाँ की जी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम था, अच्छी थी। रॉयल इंस्टीट्यूट से कर रही थी तैयारी, ऑनलाइन कोर्स लिया था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और समथिंग 6-7 मंथ से कर रही हूँ तैयारी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि अच्छे थे। भीलवाड़ा से आई और हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर था, तो 9:02 पे आ गए, फिर भी हमें एंट्री नहीं दी। बोला 5 मिनट गेट के बाहर रुको, दे देंगे अंदर, फिर भी नहीं दी हमें। बोला कि है ना 9:02 पे आ गए, फिर भी एंट्री नहीं दी। बोले 5 मिनट बाद एंट्री दे देंगे, फिर भी नहीं दिया। घर पे ही करी लग जाएगी सर, इतना तो उम्मीद थी। हमने घर पे तैयारी की है, कोचिंग भी गए, इतने पैसे दिए थे कोचिंग के, फिर भी हमने घर पे तैयारी की। क्या पता अब तो नहीं जाने दे रहे, बाहर छूट के गए, फिर भी भगा दिया, बाहर गेट से बाहर निकाल दिया।